वो कार्ड मैजिक ट्रिक है। तो पहले मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा, फिर इसके बाद इसका ट्यूटोरियल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं इसकी ट्रिक की तरफ। तो पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ, है ना। पहले तो एक बार मैं कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ कि जो सारे कार्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। अब मैं करूँगा जो सबसे पहला पत्ता सो इसे खोल लूँगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है ये फाइव ऑफ क्लब्स है, ठीक है। मैं अब जो डेक है इसको यहाँ रख दिया और अब मैं इस फाइव ऑफ क्लब्स को मैं किंग ऑफ स्पेड्स में बदल दूंगा। देखो अच्छे से देखना, है ना। 3 2 1 ये देखिए दोस्तों, ये किंग ऑफ स्पेड्स में बदल चुका है कार्ड, है ना। और आप चाहे तो देख सकते हैं इस कार्ड के आगे पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि चिपका हुआ है या कुछ भी, ये सिंगल कार्ड है और किंग ऑफ स्पेड्स में बदल चुका है। तो दोस्तों यही थी आज की ट्रिक। तो चलिए बढ़ते हैं इसके ट्यूटोरियल, आ चुके हैं इसके ट्यूटोरियल की तरफ। तो आपको क्या करना है, पहले तो सिंपली सारे कार्ड जो है अच्छे से शफल कर लेना है ना। और फिर आपको एक बार सबसे जो टॉप का पत्ता है उसको उठाना है। जैसे आपने टॉप टॉप का पत्ता उठाया, जैसे अभी मेरे पास है फाइव ऑफ हार्ट्स ना, जब आप ऐसे जब उठाएंगे जब तक आप बता सकते हैं कि सिंगल कार्ड है। पर इसमें क्या करना है आपको, जब आप रखेंगे जब आपको इसके साथ ही जो सेकंड कार्ड है इसका वो भी उठाना है। मतलब कि जैसे मैंने ऐसे रखा इस तरह से, पहले ऐसे उठा के दिखाया कि ये फाइव ऑफ हार्ट्स है, फिर जब आप इसको रखेंगे तो आपको करना है जो आपका जो सेकेंड कार्ड है उसको भी उठा लेना है ऐसे, ठीक है। और आप ऐसे सामने से उठाएंगे तो उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने दो कार्ड उठा रखे हैं। और फिर आपको डेक को अच्छे से रख देना है। फिर क्या करना है, आपको जो पोजीशन होगी वो जो यारा थंब जो है आपको ऐसे करना है, मतलब ताकि कार्ड एकदम ऐसे हो जाए। तो यारा थंब आगे रखना और ये जो फिंगर है इसको पीछे रखना है। तो जैसे आप जैसे ऐसे करके यू करेंगे तो ऐसा होगा, जैसे मैं सब कुछ स्लो मोशन में बता रहा हूँ अभी। तो आपने जैसे मैंने यू करा और ये ऐसे हो गया है, है ना। इसलिए जैसे आपका कार्ड यू रहता तो आपको यू पकड़ना है। आपने बताया ये फाइव ऑफ हार्ट्स है, अभी तो मैं इसे ऐसा रहेगा कार्ड, आपको यू पकड़ के जब आप फास्ट इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो यही थी आज की मैजिक ट्रिक। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ नई नई वीडियो लाते रहता हूँ। और अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।